ज्ञानपीठ का, ज्ञानपीठ विजेताओं का, सबको जितने भी थे सबके उनकी पुस्तकें अनुवादित की। यही नहीं, जो नागेगौड़ा की किताब जिसे मील का पत्थर कहना चाहिए, भारत में विदेशी आए जो उनके बारे में किताब लिखी वो भी अनुदित हमने की, और उसके लिए स्कॉलरशिप भी मिला, 2 साल तक उसका स्कॉलरशिप भी लिया। उसके लिए किताब अब भी है, फॉरनर्स केम टू इंडिया। वो उसके साथ बहुत से लोगों की औरों की जिन जिन की, यहाँ तक कि मोइली जी तब तक कुछ भी नहीं थे, उनकी 2-3 पुस्तकें की, गिरीश कर्नाड की 3-4 की, 8-10 प्यादा कंबार की भी थी, एक का ज्ञानपीठ के अवार्डीज थे, उनकी सबकी पुस्तकें हमने अनुवादित की। इनकी लेटेस्ट किताब तेंदेरे। कोई कविता के बारे में बोलना चाहोगे? और किताब मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा नहीं, जो आपको याद है। मैं इनको कविता कविता जो आपका एक्सपीरियंस बोलो ना। अंबिका टनई शांतिनाथ देसाई वो हमेशा क्या कहा कि उनकी माँ का नाम कमलम्मा था, उनके पाँव भी नहीं चलते, वो यही कहा करते थे बहुत दिन तक तो अपने बेटे से दूर नहीं रह सकी ना माँ, आ गई ना वापस मेरे पास, फिर से वापस आ गई। मास्टी जी बहुत प्रश्न करते थे, उनकी पहली पुस्तक बिजनूर के नायक के नाम से मैंने छपवाई, पहले उससे पहले वो जब छापी गई थी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई थी कबीर ने, हुमायूं कबीर ने, इसमें शैवों के प्रति कहा गया है पर शैवों के प्रति नहीं, वो वास्तव में उन्होंने कहा गलत है, उसको फिर से छपाइए, फिर से कीजिए। एंड दे सेड टू मी कि आप अपने नाम से छपाइए, नारायण साहब के नाम से नहीं, और मेरे नाम से ही छपी किताब है बिद्दूर के नायक के नाम से। पुस्तक लिखी है ये बहुत सी प्रकृति के प्रति, इसमें काफ़ी के ऊपर उन्होंने पहाड़ के प्याले तक लिखा है, किस प्रकार लोगों ने काफ़ी पीना आरंभ किया, कैसे काफ़ी का आरंभ हुआ और कैसे लोग उसको खाते थे पहले वो के साथ लपेटे, बाद में उसी को काफ़ी बना के पीने लग गए, फिर अंग्रेज़ों ने आके फॉर्म बनाए और इस प्रकार वो बहुत प्रसिद्ध हुई। यहाँ तक है इस जमाने में लोग मजदूरी की जगह कॉफी के बीज दिया करते। राजेंद्र चित्रवीर राजेंद्र तो अंतिम मास्टर जी के अंतिम पुस्तक है, उसमें उन्होंने राजाओं की अंतिम पीढ़ी का उल्लेख किया, जिसमें से चित्रवीर राजेंद्र नौकर होने पर भी अपने नौकर के द्वारा ही माना गया। अनंत मूर्ति की पुस्तक बिक्कू मट्टू आकाशा, उसमें छोटी छोटी कहानियाँ उन्होंने लिखी, उसमें वही पुरानेपन की बात कि पुराने ज़माने में लड़की कुछ नहीं करना चाहिए, स्त्री को समाज में केवल खाना पकाने की मशीन है, बच्चा पैदा करने की घर द्वार संभाले, अगर ये वो कोई काम समाज में आगे बढ़ के करे तो उसके लिए कोई स्थान वहाँ नहीं। ये बेकुमर तो आकाश में उसमें सब में यही देखने को मिला कि कोई स्त्री कोई भी आगे कदम बढ़ाए तो वो बदनाम हो जाएगी, वो उसको अच्छी औरत के रूप में नहीं लिया जाएगा। I feel proud that my grandparents write books. My grandfather was a law agent. He used to write books. When I say this to my friends, they say your grandparents are writers. Wow. ये भवा जो है ये इसके लिए बहुत झगड़ा हुआ, आपको पता है ये जो है ये भवा इसका इतना इसका भी और एक वो मड़े गले मधमगड़ों वो तो अवेलेबल नहीं है, ये भवा के लिए फिर से लिखा गया, वो है महाभारत जो टुकड़ों में लिखा गया,
इसके लिए वहाँ बहुत झगड़ा भी हुआ, इसके लिए प्राइस के लिए भी बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन ये है कि फिर से चैप्टर्स को छोटे छोटे चैप्टर्स में बांट करके महाभारत पुनः लिखा गया है। बाबा ठीक है।